हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं नो नेम ओनली। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करें फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे का। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नेम आ गया है तो फर्ग्यूसन कॉलेज के लिए एडमिशन फॉर्म किस तरह फिल करें ये हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो ध्यान रहे, आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट देना चाहता हूँ। मेरिट लिस्ट और जनरल प्रोविजनल लिस्ट अलग अलग होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारा लिस्ट में नाम आ चुका है लेकिन लॉगिन नहीं हो रहा है। तो आपका नाम जो जिन लोगों का लॉगिन नहीं हो रहा है उनका नाम पहले आप चेक कीजिए मेरिट लिस्ट में आया है या जनरल प्रोविजनल लिस्ट में आया है। ओके, जिन जिन लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आया है उनके लिए यूज़र नेम और पासवर्ड अपने रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर के ऊपर मिल जाएगा। ओके, तो वहाँ से आप यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दीजिए और साइन इन कर दीजिए। ओके, इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, आप वहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं इस वेबसाइट के ऊपर। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट। सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो अपडेट नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा ही आप लॉगिन कर देंगे तो आपको यहाँ पर ये थ्री लाइंस दिख रहे होंगे आपके स्क्रीन के ऊपर। तो आपको सबसे पहले ये थ्री लाइंस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप थ्री लाइंस पे क्लिक करेंगे आपको ये वाला टैब खुल जाएगा इधर का, जितना भी ब्लैक में है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। ओके, तो जैसा ही आप यहाँ पर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके, यहाँ पर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा। ओके, यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी जैसा आपने रजिस्ट्रेशन में फिल की थी। ओके, इसमें कोई आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, जैसा है वैसा ही रहने देना है। ओके, तो आप उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एकेडमिक्स की डिटेल्स होंगी और यहाँ पर आपका एड्रेस डिटेल्स, आपको ये एडिट करने के लिए नहीं आएंगी। ओके, तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर फ़ोटोज़ अपलोड कर देना है, फ़ोटो और सिग्नेचर। ओके, तो आपको कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप ये एकेडमिक्स डिटेल देख सकते हैं, यहाँ पर आपने किस कोर्स के लिए अप्लाई किया था, स्टूडेंट आईडी, रजिस्ट्रेशन आईडी, मीडियम, सीरियल नंबर, ये सभी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो उसके बाद जो है तो आपको यहाँ पर फ़ोटो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड कर देना है। ओके, फ़ोटो जो है तो 40KB की होनी चाहिए, 40KB से कम, JPG या GIF फॉर्मेट में होनी चाहिए, ये भी आप ध्यान रखिए। और सिग्नेचर जो है तो आपकी मैक्सिमम 20KB की होनी चाहिए, ये भी JPG GIF फॉर्मेट में होनी चाहिए। ओके, तो उसके बाद आपके यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सबमिट कर देंगे पहले। ओके, सबमिट होने के बाद डायरेक्टली आपको नेक्स्ट पेज खुल जाएगा जो कि कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपका ये मैं BA का फिल कर रहा हूँ फॉर्म, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल जो है तो कंपलसरी होता है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो जो आपको सब्जेक्ट अलॉट हुए है वो सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कीजिए। सब्जेक्ट की किस तरह सेलेक्ट करना है आप किसी एक्सपर्ट से पूछिए या आपको कंफर्म है तो वही सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, क्यों तो ये आपको चेंज करने में नहीं आएंगे। ओके, एक बार आप जो सेलेक्ट कर देंगे वही आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे। ओके, इसके आपको चेंज करना नहीं आएगा। ओके, तो उसके बाद आपको जो है तो यहाँ पर फीस पे कर दी नहीं है, जो भी फीस है यहाँ पर 7045 रुपीज़ है यहाँ पर फीस BA की फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पर आपकी जो भी फीस है वो पे कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ फी रिसिप्ट देखने को मिलेगा। तो आपका जिस भी कोर्स, जिस भी फैकल्टी या फील्ड में लगा है, ग्रांट में या सेल्फ फाइनेंस में, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। ओके,
यहाँ पर आपका अगर ग्रैंड कोर्स में लगा है तो ये ग्रैंड इन ऐड कर दीजिए, या तो सेल्फ़ फाइनेंस में लगा है तो सेल्फ़ फाइनेंस कोर्स कर दीजिए। ओके, उसके बाद जो है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर देना है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि सभी यहाँ पर HSC का रिज़ल्ट, ओके, HSC का रिज़ल्ट, SSC का रिज़ल्ट, कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट वैलिडिटी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन नॉन क्रीमी लेयर आपको अपलोड करना है। OBC, EWS के लिए भी नहीं होता है। SC ST छोड़कर जो भी कास्ट है, OBC, NT, NTB, NTA, इन सभी के लिए नॉन क्रीमी लेयर अपलोड करना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर आप फिर नीचे जाएंगे, ये इस ब्लैक वाले स्लाइड के अंदर आपको नीचे जाना है। नीचे आपको यहाँ पर मिल जाएगा एडमिशन फॉर्म, तो उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है फिर से। ओके, जो भी आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये रही पूरी डिटेल्स। आप यहाँ से फिर एडमिशन फॉर्म की प्रिंट निकाल दीजिए और उसके ऊपर सिग्नेचर कर दीजिए। ओके, तो इस एडमिशन फॉर्म की प्रिंट निकाल कर आप पे पास रख दीजिए। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स पर भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।